Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, chapter hamara chal raha hai reproduction in plants. जिसमें हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है ना, जिसमें हमने आर्टिफिशियल और नेचुरल की बात करी. अब आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बडिंग, ठीक है, जो कि दूसरा पार्ट है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना. तो बडिंग स्टूडेंट्स किस में होती है, यीस्ट में होती है, जो कि एक सिंगल सेल फंजाई है, ठीक है ना. सिंगल सेल हम बोलेंगे स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर, मतलब जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो क्या होता है, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ बड ग्रोज आउट फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट सेल. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना. स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि यीस्ट सेल से क्या होता है, डेवलप हो जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, ये यीस्ट सेल है, ठीक है ना, जब भी ग्रो करती है, मच्योर करती है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसी यीस्ट सेल से एक बड चढ़ने लगता है, छोटा सा, मैंने जैसे आपको बोला स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो ग्रो करने लगता है, ठीक है ना, यीस्ट सेल से, समझ गए. द बर्ड जनरली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट सेल. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बर्ड चढ़ने लग, जब बर्ड डेवलप होने लगता है, तो फिर जब ये बर्ड होता है, जो ये बर्ड होता है, फिर ये जनरली ग्रो हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, मच्योर होता है, ग्रो होता है, फिर अपनी यीस्ट सेल, अपनी जो पेरेंट बॉडी थी इसकी, इससे अलग हो जाता है, ठीक है ना. आप समझिए अच्छे से मैं आपको क्या बोल रही हूँ. पेरेंट सेल था, जब इसने ग्रो किया, मच्योर किया, इससे क्या हो गया, एक छोटा सा स्मॉल लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होने लगा जिसको बर्ड बोलते हैं. फिर ये बर्ड जो है, जब ये मतलब जनरली ग्रो हो गया, मतलब अच्छे से मच्योर हो गया, फिर क्या हो गया, इस ये अपनी यीस्ट सेल से जो कि जहाँ से निकला था, इससे डिटैच हो गया, मतलब अलग हो गया, और क्या बनाया, और क्या बनाता है, फिर अपनी नई सेल बनाता है, समझ गए. द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल. फिर जो ये नया यीस्ट सेल बन जाता है, फिर ग्रो करता है, ऐसी मच्योर करता है, और क्या करता है, ज़्यादा फिर फिर ज़्यादा यीस्ट सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना. ऐसे समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स. कभी कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, एक यीस्ट सेल के ऊपर मतलब बर्ड्स चढ़ने लगते हैं, मतलब बर्ड्स के ऊपर, बर्ड के ऊपर, बर्ड के ऊपर चढ़ने लगता है, और चेन ऑफ बर्ड्स बना देता है. इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम. तो क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस चलता रहे, मतलब कंटिन्यू होगा, तो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स जो होंगी प्रोड्यूस हो जाती है, काफ़ी कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. हुआ क्या स्टूडेंट्स, ये सेल थी वो ग्रो, उसने ग्रो किया, मच्योर किया, एक छोटा सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है उससे डेवलप हो गया. फिर जब ये बर्ड जो हो गया वो मच्योर हो गया, ग्रो हो गया, तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, डिटैच हो गया, ठीक है ना, समझ गया ना. फिर अपनी एक नई सेल बना देता है, ठीक है ना. फिर जब वही नई यीस्ट सेल ग्रो करती है, मच्योर करती है, फिर ज़्यादा यीस्ट सेल्स बना देती हैं. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, एक सेल के ऊपर मतलब काफ़ी बर्ड्स चढ़ने लगते हैं, लाइक बर्ड के ऊपर, बर्ड के ऊपर बर्ड चढ़ने लगता है, फिर एक चेन ऑफ बर्ड्स बना देती हैं, ठीक है ना. अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा यीस्ट सेल जो होती है प्रोड्यूस हो जाती है काफ़ी कम टाइम में, ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो क्या होता है बडिंग, समझ गए आप. तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, मतलब बडिंग में क्या आपने समझ लिया. आप शॉर्ट में यही याद रखेंगे, जब एक पेरेंट बॉडी जो होती है, पेरेंट सेल जो होती है, उससे क्या होता है, जब वो ग्रो करती है, मच्योर करती है, उससे क्या होता है, एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो होता है अपीयर, मतलब डेवलप हो जाता है. फिर वो भी क्या होता है, फिर वो भी जब ग्रो करता है, वो बर्ड भी जब ग्रो करता है, मच्योर करता है, और अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, फिर अपनी नई यीस्ट सेल बना देता है, समझ गए स्टूडेंट्स. तो ये था बडिंग, जो कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन का दूसरा पार्ट था, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में. इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.